न्यू राजेंद्र नगर इलाके के एक रेस्टोरेंट में शनिवार रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मनोज नाम के कथित इनामी बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी रेस्टोरेंट में आने वाला है, जिसके आधार पर उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। पुलिस की ओर से दावा किया गया कि वो अपने 5 साथियों के साथ रेस्टोरेंट पहुंचा। पुलिस ने उसकी पहचान कर उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें आरोपी को 2 गोलियां लगी। पुलिस उसे नजदीक के एक अस्पताल में ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। You see, the inspector had come. He got the information that a criminal who is wanted in many cases, he's come to Sagar Ratna in this place. So the inspector along with the team, they came here and after identifying the criminal, he identified himself as well, that he is from the police. The man and the inspector caught him. The other policeman also helped him. But in the meantime, the criminal by that time had taken out the pistol and there was a scuffle. पुलिस भले ही इस एनकाउंटर में सब कुछ ठीक होने की बात कह रही हो, लेकिन मनोज के परिजन इस एनकाउंटर को फर्जी करार दे रहे हैं। परिजनों ने मांग की है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जानकारी ली जाए। मनोज वशिष्ठ के मृत शरीर को लेडी हार्डिंग अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, जहां रात भर मनोज के परिवार और उन्हें जानने वालों की भीड़ जुटी रही। वो फर्जी एनकाउंटर किया उन लोगों ने, हत्या की है, मर्डर किया है। सर में गोली मारी, सीधे हाथ की तरफ, कान से 2 उंगली ऊपर, और उन्होंने उसे मार डाला। 150-200 लोगों के सामने उन्होंने उसको मार डाला रेस्टोरेंट में। यही रिक्वेस्ट है कि मैं जुडिशियल इंक्वायरी चाहती हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। परिजनों ने मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कि वो इसमें उचित कार्रवाई करें, जिससे प्री प्लान मर्डर को उन्होंने एनकाउंटर का रूप दे दिया, वो उसकी सही तरीके से सत्यता से जांच कराए, जुडिशियल उसमें उसकी ले, सीबीआई जांच कराए उसकी, और जो लोग इसमें दोषी हैं, जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना की है, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। पुलिस के अनुसार मनोज नौकरी दिलवाने के ठगी के धंधे में पहली बार 2002 में शामिल हुआ था, जिस केस में इसके मास्टरमाइंड ओल्ड राजेंद्र नगर निवासी उसके ससुर दीनदयाल शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। मनोज और उसकी पत्नी प्रियंका उस ठगी कंपनी के डायरेक्टर थे। मनोज बागपत कोतवाली अंतर्गत पावला गांव का रहने वाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।